गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे होंगे, उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट क्या करेंगे, सॉलिड स्टेट का लेक्चर सेकेंड। लेक्चर फर्स्ट का आप अच्छे ढंग से नोट्स बनाए होंगे, एनसीईआरटी बुक हमने कहा था आप पढ़िए, या साथ में एक रेफरेंस बुक आप पढ़िए। और आज का होमवर्क आपको दिया हुआ था कि आप क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंसेस पढ़ के रखिएगा। और दूसरा होमवर्क दिए थे कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में भी पढ़ के रखिएगा। आज के क्लास में इस दो पॉइंट पर हम लोगों को फोकस करना है। पहला क्या फोकस करना है, तो डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो चले स्टार्ट किया जाए, द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, सब कुछ परफेक्ट जा रहा है, वॉइस वगैरह सब क्लियर होगा, उम्मीद करते हैं कि अभी तो कोई परेशानी नहीं जा रही होगी आपके सामने। ठीक है, वंस अगेन गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब हेडिंग देना है क्लासिफिकेशन, कल यहीं पर रुके थे। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड का क्लासिफिकेशन करें, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, दिख रहा होगा उम्मीद कर रहे हैं सब कुछ। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स, यानी कंस्टिट्यूएंट्स, पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन नेचर, पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन नेचर, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स अरेंजमेंट इन नेचर। इसके आधार पर सॉलिड को दो कैटेगरीज में बांटा गया है, एक क्या जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक हो जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, और दूसरा सॉलिड हो जाएगा एमॉर्फस सॉलिड। दूसरा सॉलिड क्या हो जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, पूछा क्रिस्टलाइन सॉलिड किसको कहेंगे। पहले ये बात तो क्लियर है कि सॉलिड कैसे बना है, लार्ज नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कहने का मतलब एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि जो सॉलिड बने हुए हैं, सॉलिड कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहने का मतलब क्या हुआ, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये बात दिमाग में रखना है। तो पूछा क्रिस्टलाइन सॉलिड कहने का क्या मतलब हुआ, क्रिस्टलाइन वर्ड आया है क्रिस्टल से, सॉलिड बना है किससे, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, वहां पार्टिकल की संख्या बहुत ज्यादा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड वर्ड कहां से आया है, क्रिस्टल से। पूछा क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल का मतलब होता है डिफिनिट और रेगुलर। क्रिस्टल का क्या मतलब होता है, डिफिनिट और रेगुलर। क्रिस्टल का मतलब होता है डिफिनिट एंड रेगुलर। तो पूछा क्या डिफिनिट क्या रेगुलर, बातचीत के क्रम में कहते हैं ये क्रिस्टल जैसा क्लियर है, एकदम साफ सुथरा है। पूछा क्या क्रिस्टल जैसा क्लियर है, तो क्रिस्टल का मतलब होता है डिफिनिट और रेगुलर। पूछा क्या डिफिनिट और क्या रेगुलर, तो भैया सॉलिड बना हुआ है लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, और जहां पर पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा स्पेस में वो डिफिनिट और रेगुलर मैनर में होगा, तो वैसे सॉलिड को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जहां पर डिफिनिट और रेगुलर मैनर में नहीं होगा, वैसे सॉलिड को क्या कहेंगे, अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस वर्ड
आया था एमॉर्फ, एमॉर्फ से। एमॉर्फ एक ग्रीक वर्ड था जिसका मतलब होता था शेपलेस, ग्रीक वर्ड था इसका मतलब होता था नो शेप, शेपलेस, शेपलेस, नो शेप, या आप कह सकते हैं नो शेप, नो डेफिनेट ऑर्डर, है ना। यानी हम लोग एक बात तो एकदम क्लियर हो गया कि सॉलिड के पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं, एटम मॉलिक्यूल्स आयंस की संख्या ज़्यादा है, और इसी एटम मॉलिक्यूल्स आयंस का जब डिफिनिट रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो वैसे सॉलिड को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, नो डिफिनिट रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो वैसे सॉलिड को क्या कहते हैं, अमॉर्फस सॉलिड। पहले इसको लिखिए तब आगे बढ़ाते हैं, है ना। नोट कर लीजिएगा तो बताते चलिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, सब पढ़ के रखा है, बहुत अच्छे। अब दिखाते कैसे करना है। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं, इधर लिखते क्रिस्टलाइन सॉलिड और इधर लिख देते हैं एमॉर्फस, एमॉर्फस सॉलिड। यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहला क्या होगा कि यहां पर जो पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो डिफिनेट एंड रेगुलर मैनर में होंगे, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, अरेंज्ड इन 3D स्पेस विथ डिफिनिट और रेगुलर मैनर। पार्टिकल्स आर अरेंज इन 3D स्पेस विथ डिफिनिट एंड रेगुलर मैनर, रेगुलर मैनर, ठीक है। क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर मान लीजिए हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, एकदम आराम से इस तरह से ये एक्स एक्सिस है, जितना दूरी पर पार्टिकल एक्स एक्सिस में अरेंज है उतना ही दूरी पर पार्टिकल्स वाई एक्सिस में अरेंज है, उसी तरह से बिछता चला जाएगा ये जाल। इस जाल को लैटिस कहते हैं, लैटिस का मतलब होता है जाल, है ना, एकदम डिफिनिट रेगुलर मैनर में। अगर इसको एक्स एक्सिस कहे, इसको वाई एक्सिस कहे, इसको जेड एक्सिस कहे, तो ये आराम से हर एक एक्सिस में बिछता चला गया है, क्लियर है। तो इसको कहते हैं डिफिनिट और रेगुलर अरेंजमेंट। एमॉर्फस में ऐसा नहीं होगा, यहां पर भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, यहां पर भी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है, पर जैसे तैसे बहुत लॉन्ग रेंज ऑर्डर में इस तरह का अरेंजमेंट नहीं है। हो सकता है कि पहला दूसरा पार्टिकल ऑर्डर में दिखे, दूसरे दिखे, पर तीसरा यहाँ डिसऑर्डर में दिख जाए, चौथा और दूर चला जाए, ये नज़दीक है, ये नज़दीक है, यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, मतलब कोई डिफिनिट ऑर्डर नहीं है। जहाँ मन तहाँ पार्टिकल्स अरेंज हो सकते हैं, एक दो पार्टिकल कुछ देरी तक लगे कि ऑर्डर फॉर्म में सजा है, पर बाकी क्या दिख रहा है, इरेगुलर मॉनर में दिख रहा है। तो यहाँ लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, यहाँ पर आपको जो दिखेगा ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर दिखेगा, और यहाँ पर क्या दिखेगा, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, कुछ हद तक दिखा कि बहुत दूरी, कम दूरी तक दिख रहा है, बाकी इरेगुलर है। यहाँ पर पार्टिकल्स आर अरेंज इन इरेगुलर मैनर, पार्टिकल्स आर अरेंज्ड
इरेगुलर इरेगुलर मैनर और वेरी शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट है। अगर रेगुलर अरेंजमेंट भी दिखेगा तो बहुत छोटा दूरी तक दिखेगा, शॉर्ट रेंज है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉर्म। यहां क्या दिख रहा है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, यहां शॉर्ट रेंज ऑर्डर फॉर्म में है, कुछ दूर तक दिखेगा बाकी फिर इरेगुलर दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब पार्टिकल्स का डिफिनिट और रेगुलर अरेंजमेंट होता है तो उसको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है तो उसको क्या कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। कहीं कहीं को दिक्कत इसमें नोट करते चले। ठीक है अंशिका सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छा, चला जाए आगे। लैटिस पॉइंट्स इसी को कहेंगे, लैटिस ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं जाल, ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग लैटिस, लैटिस का मतलब होता है जाल, जाल जैसा दिख रहा होगा लैटिस को क्या कहते हैं जाल। और जाल का जो हर एक बिंदु है इसे हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट। ये जो पार्टिकल्स है जो डिफिनिट मैरन में सजा हुआ है इसी पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं लैटिस का एक बिंदु, तो लैटिस पॉइंट। ठीक है, ये जो 3D स्पेस है उसी को कहते हैं लैटिस, जाल जैसा दिख रहा है, जाल के हर एक बिंदु को लैटिस पॉइंट। जाल अगर 2 डायमेंशन में बिछा हुआ है, एक्स और वाई एक्सिस पे बिछा हुआ है, 2D में बिछा हुआ है तो उसको कहेंगे प्लेन, लैटिस प्लेन। 3D में बिछा हुआ है स्पेस लैटिस, ये सब आएगा आखिर में, आगे में आएगा, घबराना नहीं है। ये तो अभी सिर्फ ये सीखना है कि पार्टिकल्स का डिफिनिट रेगुलर अरेंजमेंट हुआ क्रिस्टलाइन सॉलिड, पार्टिकल्स आर अरेंज इन इरेगुलर मैनर तो उसको क्या कहेंगे अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, यहाँ लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है किसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में। कोई दिक्कत वाली बात, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया तो आगे बढ़ेंगे। नोटेड, वेरी गुड। हाँ आज करेंगे सन्नी जी, आज करेंगे, अभी कुछ कल नहीं लिख पाए थे कि कुछ हिंदी वाला नोट्स आज से सेंड करेंगे, कुछ अभी घर में कुछ काम चल रहा था इसलिए अभी आपको नहीं कल लिख पाए थे, आज से लिख के कल का लेक्चर का आज का लेक्चर का सेंड कर देंगे, घबराइएगा मत, जब बोले हैं तो मिल जाएगा आपको। अब देखिएगा होता क्या है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसके सारा मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या शोज करता है, इट शोज शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जबकि एमॉर्फस सॉलिड मेल्टिंग पॉइंट रेंज में दिखाते हैं, इट शोज मेल्टिंग पॉइंट इन ए रेंज। पूछा सर ये क्या लिखे आप, लिखने दो फिर समझाते हैं। यहां सार्फ हीट ऑफ फ्यूजन होगा, सार्फ मतलब एकदम क्लियर, सार्फ हीट ऑफ फ्यूजन, इट शोज सार्फ हीट ऑफ फ्यूजन। कैसा हीट ऑफ फ्यूजन दिखा रहा है, सार्फ हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पर होगा नो सार्फ हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। यहां शार्प कटिंग होगा, शार्प कटिंग ऑप्टिंग। अगर हम कट करेंगे तो यहां शार्प कटिंग होगा, यहां पर कैसा कटिंग होगा, इरेगुलर कटिंग ऑप्टिंग। कहाँ पर, एमॉर्फस सॉलिड में। अब इस तीन पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं, यहाँ शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों है ये क्लियर करना है, यहाँ मेल्टिंग पॉइंट रेंज में क्यों है ये क्लियर करना है।
शार्प हीट ऑफ फ्यूजन क्यों है, नो शार्प हीट ऑफ फ्यूजन क्यों है, यहाँ शार्प कटिंग कैसे ऑप्टेन होता है, यहाँ इरेगुलर कटिंग कैसे ऑप्टेन होता है, पहले नोट कीजिए, इसको समझाते हैं, है ना। हाँ, रेगुलर कटिंग वही शार्प कटिंग हुआ, क्लीवेज को ही कहा जाता है कटिंग का, क्लीवेज के ही पॉइंट को हम यहाँ पर क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, कटिंग। यहाँ शार्प कटिंग होगा, यहाँ पर इरेगुलर कटिंग होगा, है ना, क्लीवेज को ही कहा जाता है। यानी जैसे एल्युमिनियम के तार को काटिएगा ना तो शार्प चिकना जैसा कटेगा, वही हम लोग कह रहे हैं शार्प कटिंग, है ना। अब समझा रहे हैं, पहले नोट कर लो ना, समझाना शुरू करते हैं। नोट कर लिया, ठीक है, ध्यान से देखिए, नोट कर लिया, आगे चलते समझाते क्या है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ये खुद समझ में आएगा आपको। अच्छा, अब ये बताओ क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होगा। तो आप कहिएगा सर पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होगा वो डिफिनेट और रेगुलर होगा, क्लियर है। और आप ये भी खूब अच्छे ढंग से जानते हैं कि हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से बंधा हुआ है, किस फोर्स से बंधा हुआ है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स से बंधा हुआ है। हर एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से कैसे बंधा हुआ है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स से बंधा हुआ है, जो लास्ट डे हम लोग डिस्कस किए हैं सॉलिड में। और सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रांग होता है। अगर ये एक्स एक्सिस में ऐसा हाल है तो वाई एक्सिस में भी तो सेम ही हाल होगा, और जेड एक्सिस में भी तो इसी तरह का कहानी होगा। तो अगर हम इस तरह से देखना शुरू करें तो यहाँ भी इसी तरह का पैकिंग होगा, देखते जाइए। अभी बताओ एकदम पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफिनिट और रेगुलर है, सबको दिख रहा है डिफिनिट और रेगुलर दिख रहा है, यानी सभी जगह जो पार्टिकल्स के बीच लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स हैं वो बराबर हैं कि अलग अलग हैं। जब पार्टिकल एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठा हुआ है तो सबके बीच का इंटरनिकुलर डिस्टेंस इक्वल है, जब इंटरनिकुलर डिस्टेंस इक्वल है तो सभी जगह बराबर इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहे होंगे कि अलग अलग इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहे होंगे, तो सभी जगह बराबर इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहे होंगे, है ना। इस बात को एकदम दिमाग में सेट करते जाइएगा कि जब पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एकदम डिफिनिट और रेगुलर हो रहा है तो सभी जगह इंटरमोलिकुलर फोर्स यूनिफॉर्म है। यहाँ क्या दिख रहा है, यूनिफॉर्म इंटरमोलिकुलर फोर्स, सभी जगह एकदम एक समान इंटरमोलिकुलर फोर्स लग रहे हैं। और मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं, जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसी फोर्स को तोड़ते हैं, इंटरनिकुलर डिस्टेंस बढ़ाते हैं, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करते हैं, हीट देते हैं। और ये कन्वर्ट जब होता है सॉलिड से लिक्विड में तो इसे कहते हैं मेल्टिंग, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मेल्टिंग, इस प्रोसेस को कहते हैं मेल्ट करना, और प्रोसेस का नाम है मेल्टिंग, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर मेल्ट करता है उस टेम्परेचर को क्या कहे थे, याद करो, मेल्टिंग पॉइंट, उस टेम्परेचर को क्या कहे थे हम लोग, मेल्टिंग पॉइंट। क्या दिख रहा है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, पार्टिकल्स एक डिफिनिट और रेगुलर मैनर में अरेंज है,
हर एक पार्टिकल्स के बीच एक फिक्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। जब हर एक पार्टिकल्स के बीच में फिक्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है तो सभी जगह यूनिफॉर्म इंटरमोलिकुलर फोर्स है, और हर फोर्स को तोड़ने के लिए बराबर हीट सब जगह लगेगा कि अलग अलग हीट लगेगा? बराबर हीट लगेगा। यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, एक ही टेम्परेचर पर पूरा सॉलिड कलैप्स करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि सब जगह बराबर हीट लग रहा है इसलिए यहाँ शार्प हीट ऑफ फ्यूजन है, यही कारण है कि यहाँ पर शार्प हीट ऑफ फ्यूजन है। सभी जगह समान हीट देंगे इसको मेल्ट कराने के लिए, अलग अलग हीट नहीं लगेगा। यही कारण है कि ये यूनिफॉर्म है, इंटरमोलिकुलर फोर्स यूनिफॉर्म है। क्यों यूनिफॉर्म है? क्योंकि पार्टिकल्स आर अरेंज इन यूनिफॉर्म वे, यानी पार्टिकल्स का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो एकदम रेगुलर है ना। पर अमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है नोट करते जाइए। अब देखिए ध्यान से, अब पार्टिकल्स को क्या करना है, पार्टिकल्स को क्या करना है जा देखते जाइए। अब देखिए अमॉर्फस सॉलिड में इरेगुलर अरेंजमेंट है। जहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या है, इरेगुलर है, तो क्या यहाँ पर इंटरमोलिकुलर फोर्स यूनिफॉर्म है? तो यहाँ क्या रखेंगे, इरेगुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स, इरेगुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स है। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स इरेगुलर है, कहीं पर इंटरमोलिकुलर फोर्स मजबूत है, जहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम है वहां इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, और जितना मजबूत इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा उसको मेल्ट कराने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा, ज़्यादा हीट देना होगा। और जहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा है वहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स कमज़ोर है, तो इरेगुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स है। हर जगह पर अलग अलग हीट देना होगा उसको मेल्ट कराने के लिए। यहां क्या हो रहा है, रेगुलर मैनर में अरेंज है, यहां इरेगुलर मैनर में पार्टिकल अरेंज है। और जब पार्टिकल इरेगुलर मैनर में अरेंज होगा तो वहां इंटरमोलिकुलर फोर्स भी इरेगुलर होंगे, और जहां इंटरमोलिकुलर फोर्स इरेगुलर है मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अलग अलग है, तो अलग अलग पार्टिकल्स के फोर्स को तोड़ने के लिए अलग अलग हीट देना होगा, सब जगह समान हीट नहीं देना होगा। यही कारण है यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट आता है, यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट आता है वो रेंज में आता है। मेल्टिंग पॉइंट किस में आ रहा है, रेंज में आ रहा है, क्लियर है। और यही कारण है कि यहाँ शार्प हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, अलग अलग हीट ऑफ फ्यूजन, कहीं ज़्यादा हीट कहीं कम हीट, नो शार्प हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक बात क्लियर हो गया होगा, क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, क्यों शार्प हीट ऑफ फ्यूजन है, क्यों मेल्टिंग पॉइंट रेंज में आता है, क्यों नहीं शार्प हीट ऑफ फ्यूजन है। ये दोनों बात यहां तक हमको लगता है क्लियर हो गया होगा, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। डाउट कहीं पर तो बोलिए, डाउट कहीं पर तो बोलिए। ठीक है, मंताशा का हो गया, क्लियर है। कोई डाउट किन्हीं को है तो पूछिए, किन्हीं को कहीं पर दिक्कत है पूछिए। क्लियर क्लियर क्लियर, वेरी गुड। अब कटिंग पर आते हैं, क्लियर, ऑल क्लियर, वेरी गुड। जो जो पढ़ के रखना है एकदम साफ जानिए, जो पढ़ के रखेगा कहीं डाउट नहीं होगा, नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत होगा। नहीं पढ़ने वाले को बहुत तरह की दिक्कत आती है, हर तरह का परेशानी उसके सामने दिखने लगेगा, और जो पढ़ रहा है तो उसकी राहें बहुत आसान होने लगती हैं, है ना।
इसलिए एकदम ध्यान से देखते चलना है कहाँ पर रेगुलर इंटरमोलिकुलर है फोर्स है, कहाँ पर इरेगुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स से क्लियर है, क्यों मेल्टिंग पॉइंट यहाँ शार्प हुआ, क्यों मेल्टिंग पॉइंट रेंज में आया, क्यों यहाँ शार्प हीट ऑफ फ्यूजन हुआ, क्यों यहाँ शार्प हीट ऑफ फ्यूजन नहीं हुआ, कहीं दिक्कत वाली बात, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिए होंगे उम्मीद करते हैं, क्लियर, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आइए कटिंग पर। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या है कि अगर आप ले लीजिए आलू काटे हो कभी, कैसा शार्प कटता है, पनीर काटे हो, सीसा तोड़े हो, देखना है तो जरा देखिएगा ध्यान से, कभी आलू जिस तरह से कट करते हो उसी तरह से कट करो, अगर एकदम शार्प कटिंग हो गया इस तरह से, एकदम चिकना, जैसे एल्युमिनियम का पत्थर को तोड़ते हो, तो जहाँ शार्प कटिंग दिखता होगा उसको हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जब इसको कट किए, जैसे थर्मोकॉल को तोड़ के देखना, इस तरह से इरेगुलर कटेगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। इसको क्या कहेंगे, एमॉर्फस, इरेगुलर कटेगा। कभी अचानक घर में कोई पुराना शीशा होगा उसको तोड़ के ब्रेक करके देखना, तो वहाँ जो क्लीवेज होगा ना इरेगुलर होगा, इस तरह से अप एंड डाउन। थर्मोकॉल को काट कर देखना, वहाँ इरेगुलर कटिंग होगा। साबुन देखे हो ना, घर में साबुन होगा, सॉफ होगा, उसको कट के देखना, हाथ से टच करना, देखोगे कि वो एकदम रुखरेदार होगा, तो समझ जाओगे क्या हो गया, वो एमॉर्फस सॉलिड हो गया। घर में रखी हुई वस्तु को कैसे चेक करेंगे कि कौन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कौन एमॉर्फस सॉलिड है, तो पहला तो एक चीज़ है कि छूने से, जैसे जो चीनी है, नमक है, हाथ में गरा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पाउडरी फॉर्म में होगा, पाउडर फॉर्म में हो, स्लिपरी फॉर्म में हुआ, तो वो एमॉर्फस सॉलिड होगा। ठीक है, जिसको आसानी से डिफॉर्म कर सकते हो, जिसके शेप को चेंज कर सकते हो, वो कहलाएगा एमॉर्फस सॉलिड। जिसके शेप को आसानी से डिफॉर्म नहीं कर सकते हो, वो कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड। उसके बाद देखना काट कर, या पत्थर है, एल्युमिनियम का पत्थर है, लोहा का कटिंग है, जब आप कट करते हो शार्प कटिंग दिख गया तो कहना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इरेगुलर कटिंग दिख गया तो क्या कहोगे, एमॉर्फस सॉलिड है। तो घर में रखे हुए वस्तु को भी आप आराम से डिस्टिंग्यूज कर सकते हो कि कौन क्रिस्टलाइन है, कौन एमॉर्फस है। क्लियर, जैसे नमक है, चीनी है, हाथ में रखोगे तो गरेगा, गड़ा जहाँ पर रुखरेदार दिखाओ तो क्रिस्टलाइन है। इसका मतलब ये मत सोचना कि एमॉर्फस है, इसको कटिंग इसका इरेगुलर होता है, और उसका दाना हाथ में गरेगा, जो स्लिपरी नेचर का होगा, पाउडर फॉर्म जैसा दिखेगा, हाथ में स्लिप कर जाए, चिकनाहट वाला जो होगा वो कहलाएगा एमॉर्फस, है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत, शार्प कटिंग। अब पूछा क्यों शार्प कटिंग यहाँ दिख रहा है, ये भी आप समझ सकते हैं, यहाँ शार्प कटिंग है, नो शार्प कटिंग क्या है ये भी देख लीजिए, कैसे ये भी समझा देते हैं। ठीक है, अब आप समझिए जरा, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है, जो आसानी से डिफॉर्म हो जाएगा, जैसे रबर आसानी से डिफॉर्म हो जाएगा, एमॉर्फस सॉलिड होगा, प्लास्टिक आसानी से डिफॉर्म हो जाएगा, जिसके शेप को आसानी से तोड़ सकते हैं, वो कहलाएगा, ये एमॉर्फस सॉलिड है। पार्टिकल्स में नहीं, कहीं पर भी लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं है, और यहाँ क्या है, एकदम वेल ऑर्डर फॉर्म में है। अगर हम कट कर रहे हैं ऐसे, तो इस तरह से कटे हुआ पार्टिकल्स पर ही तो रखाएगा चाकू, इस तरह से कट होगा, एकदम शार्प कटिंग दिख रहा है। चाहे हम ऐसे कट कर रहे हैं तो शार्प कटिंग दिखेगा, पर यहाँ क्या होगा, ये हम कट कर रहे हैं तो यहाँ दिखेगा ऐसे ऐसे ऐसे, चाकू ऐसे ऐसे, कोई वेल फॉर्म में तो, ऑर्डर फॉर्म में तो पार्टिकल्स बिछा हुआ नहीं है, इसलिए क्या दिखेगा आपको, इस तरह से कटिंगदार कटिंग दिखेगा आपको। ठीक है, कि जिस तरह से पार्टिकल्स अरेंज है उसी तरह से तो आपका जो चाकू है उस तरह से घूमेगा, जिसके चलते इरेगुलर कटिंग दिखता है। और यहाँ पार्टिकल्स चूंकि रेगुलर मैनर में अरेंज है, आप किधर से भी कट करते हैं तो शार्प कटिंग दिखता है। क्लियर, तो जहाँ शार्प कटिंग दिखा वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जहाँ शार्प कटिंग नहीं दिखा वो कैसा सॉलिड होगा, एमॉर्फस सॉलिड होगा। क्लियर है, हाँ, ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है, डायमंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये सब अभी आएगा।
ये सब चीज़ें अभी आएंगे। आगे बढ़ते चलें, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं। अब आए हम लोग, नोट कर लिया? यस, हाँ, पार्टिकल हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है, थ्री डायमेंशनल है, तो थ्री डायमेंशनल ही तो कटिंग करते हो। एक साथ चाकू काटते हो तो टू प्लेन में लेके जाते हो, है ना? क्लीवेज करके भी देख सकते हो, थ्री डायमेंशन भी ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत? आगे चला जाए। अब आइए, जो सॉलिड के नाम पर ट्रू है, जो सॉलिड के नाम पर सत्य है, ट्रू सॉलिड, जो सॉलिड के नाम क्रिस्टलाइन सॉलिड को कहते हैं, इट इज नॉन एज ट्रू सॉलिड। सॉलिड के नाम पर सत्य है, ट्रू सॉलिड कौन? क्रिस्टलाइन सॉलिड। जबकि एमॉर्फस सॉलिड को कहते हैं सॉलिड के नाम पर कलंक है, वो सुपर कूल्ड लिक्विड है, सूडो सॉलिड है, फॉल्स सॉलिड है, इट इज नॉन एज सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड, इसको सॉलिड ना कह के इसको कहा जाता है सुपर कूल्ड लिक्विड। इसको क्या कहते हैं? सुपर कूल्ड लिक्विड। सॉलिड के नाम पर वो कलंक है, क्लियर है? अब आइए, ये ट्रू सॉलिड है, सॉलिड के नाम पर सत्य है, क्यों इसको सुपर कूल लिक्विड कहते हैं, सूडो सॉलिड कहते हैं? जब आप पुराना शीशा सबको देखिएगा, शीशा ग्लास जिसको आप कहते हैं, बहुत पुराना शीशा देखिएगा, तो देखने के लिए नहीं मिलता है, पुराने पुराने हवेली में लगा रहता था, तो क्या होता था कि शीशा के अंदर के जो पार्टिकल्स थे वो धीरे धीरे टेम्परेचर के डिफरेंट नेचर के चलते उसके पार्टिकल ग्रेविटी इफेक्ट के चलते फ्लो करने लगते थे नीचे की ओर, और नीचे वाला पार्ट जो हो जाता था कई एक साल के बाद मोटा हो जाता था, थीकर हो जाता था, क्योंकि ये पार्टिकल नीचे से अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग इंटरमोलिकुलर फोर्स टूटता था और पार्टिकल धीरे धीरे नीचे सेट करता था, क्योंकि एमॉर्फस सॉलिड में एक तरह का तो इंटरमोलिकुलर फोर्स है नहीं, और जब सीजन चेंज करता था तो कभी गर्मी कभी ठंडा, तो जो कमज़ोर इंटरमोलिकुलर फोर्स के पार्टिकल्स होते थे वो ब्रेक करते थे और लिक्विड के तरह वो फ्लो करते थे, ड्यू टू ग्रेविटी वो किधर फ्लो करते थे? नीचे की ओर फ्लो करते थे। इसलिए जो पुराने घर का जो शीशा होता था तो उसका नीचे वाला पार्ट मोटा दिखता था, ऊपर वाला पार्ट जो दिखता था वो थिनर दिखता था। हकीकत में वो तो सॉलिड था, उसको तो बिहेव करना चाहिए था सॉलिड जैसा, हमेशा फिक्स रहना चाहिए था, पर वो हमेशा फिक्स रहा नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स अरेंज थे वो इरेगुलरली अरेंज थे, कहीं इंटरमोलिकुलर फोर्स मजबूत था कहीं वीक था, तो जो वीक वाला इंटरमोलिकुलर फोर्स था वो सीजन चेंज होने के चलते, टेम्परेचर बदलने के चलते वो टूटे, कोलैप्स किए, और ग्रेविटी के चलते वो नीचे फ्लो किए, जिसके चलते पुराने घर के जो शीशे होते थे उसका नीचे वाला पार्ट थिकर दिखता था, ऊपर वाला पार्ट थिनर दिखता था। यही कारण था कि ग्लास को हम लोग ने एमॉर्फस सॉलिड कहा और उसको क्या कहे हम लोग? सूडो सॉलिड। सॉलिड के नाम पर कलंक है, हकीकत में वो सॉलिड नहीं, सुपर कूल्ड लिक्विड है, ये कहा गया है ना। ये थिकर दिखता था और ऊपर वाला पार्ट क्या दिखता था? थिनर दिखता था, क्लियर? जबकि एमॉर्फस सॉलिड में नहीं होता ऐसा, ये सॉरी क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। ये कहानी कहाँ दिखेगा? एमॉर्फस सॉलिड में, ग्लास में दिखेगा। यहाँ वेल रेगुलर फॉर्म में अरेंज है। एक मिनट, ठीक है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं दिक्कत वाली बात? हाँ, क्वार्ट्स ग्लास भी एमॉर्फस सॉलिड है, सोनू जी एकदम सही है। क्वार्ट्स के दो फॉर्म्स होते हैं, क्वार्ट्स एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है और एक क्वार्ट्स ग्लास जो होता है एमॉर्फस फॉर्म में होता है। सही बात है।
वो जब टेम्परेचर के रेंज बदलने से वो शेप उसका चेंज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट बिहेवियर करते हैं, कहीं क्रिस्टलाइन जैसा बिहेव करते हैं, कहीं एमॉर्फस जैसा बिहेव करते हैं। वो कुछ कंडीशन से जो हम लोग लिखेंगे लास्ट में जाके, है ना। और ट्रू सॉलिड है। अब पूछा क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या हम इजिली डिफॉर्म कर सकते हैं, तो आप कहिएगा नहीं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम इजिली उसको डिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को हम इजिली डिफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, इट शोज एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। ये कैसा प्रॉपर्टीज दिखाएगा, एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। आप कहिएगा सर ये एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, बोले समझा रहे हैं, इट शोज आइसोट्रॉपिक नेचर। ये कैसा नेचर दिखा रहा है, आइसोट्रॉपिक। ये क्या दिखा रहा है, एन आइसोट्रॉपिक। पूछा एन आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब क्या हुआ, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या हुआ, सच फिजिकल प्रॉपर्टीज which varies with axis is known as anisotropic properties. वैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एक्सिस के साथ बदल जाए उसको हम लोग कहेंगे एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। आइसोट्रॉपिक मतलब यूनिफॉर्म। इट शोज यूनिफॉर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसीलिए इसको कहते हैं आइसो। आइसो मतलब इक्वल, यूनिफॉर्म फिजिकल प्रॉपर्टीज दिखाता है, जैसा लिक्विड और गैस में दिखता है। कौन, एमॉर्फस सॉलिड में वैसा ही प्रॉपर्टीज दिखेगा जैसा लिक्विड और गैस में दिखता है, इसलिए इसका नाम होता है आइसोट्रॉपिक। अब पूछा कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो एक्सिस के साथ बदल जाता है और क्यों बदल जाता है। दो कारण है। पूछा कि एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, तो पहले ये दिमाग में रखिए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज दिखाता है। एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कहते किसको हैं, तो सच फिजिकल प्रॉपर्टीज विच वेरीज विथ एक्सिस इज नॉन एज एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। वैसा फिजिकल प्रॉपर्टीज जो एक्सिस के साथ बदल जाए उसको हम लोग कहेंगे एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। आप कहिएगा सर क्यों एक्सिस के साथ बदल जाएगा, तो प्रॉपर्टीज दो कारण से बदलते हैं, याद करो, पहला इन्वायरमेंट, दूसरा संगति, यानी कनेक्टिविटी चेंज द प्रॉपर्टीज, और दूसरा इन्वायरमेंट प्रॉपर्टीज को बदल देता है। दिखाते कि कैसे डिफरेंट एक्सेस में डिफरेंट इन्वायरमेंट हो जाता है, इसलिए यहाँ प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, सिखाते हैं। चले आगे, अब ध्यान दीजिए, ए बी सॉलिड पर विचार करो, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है, ए बी इस तरह से सजा हुआ है। इस तरह से एकदम सजा हुआ है, अब हम कह रहे हैं कि तुम अलग अलग एक्सिस में चलो। जरा देखो ध्यान से, अगर हम इस एक्सिस में चल रहे हैं तो ये सराउंडेड किससे है, बी बी ए ए बी बी
ए ए बी बी इस एक्सिस में चले, तो अगर हम इस एक्सिस में चले तो सराउंडेड किससे है, तो बी बी सराउंडेड किससे है, बी बी सराउंडेड किससे है, बी बी सराउंडेड किससे है, बी और बी। अगर हम इस एक्सिस में चले तो इन्वायरमेंट बी बी का था, और इस एक्सिस में चले इन्वायरमेंट अल्टरनेट बी और ए का था। अगर हम बी पर रख दें, जरा ध्यान से देखो, अगर हम बी पर ही पेन रख दें ऐसे, तो ये अब इन्वायरमेंट किसका है, देखो तो ए का है। तो अलग अलग एक्सिस में, अलग अलग एक्सिस में अलग अलग इन्वायरमेंट दिख रहा है। हम इस पर थे तो अल्टरनेट ए बी सजा हुआ था, ए पर रखे एक्सिस तो बी के इन्वायरमेंट से घिरा हुआ था, बी पर हम रखे एक्सिस तो वह ए के इन्वायरमेंट से घिरा हुआ था। यानी अलग अलग एक्सिस में अलग अलग इन्वायरमेंट्स मिल रहे हैं। जब वहाँ अलग अलग इन्वायरमेंट्स मिलेंगे तो प्रॉपर्टीज तो बदलेगा ही। तो यहाँ क्या दिख रहा है कि डिफरेंट एक्सिस डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट एक्सिस और डिफरेंट इन्वायरमेंट, डिफरेंट इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट। और यही कारण है कि डिफरेंट एक्सिस डिफरेंट इन्वायरमेंट, इसलिए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। यही कारण है कि यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो रहा है, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो रहा है। और कौन सा डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, एकदम ध्यान में रखिएगा, खासकर थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी। कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सब प्रॉपर्टीज ही बदलते हैं एक्सिस के बदलने से, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज होता है। पूछा एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज क्या है, तो वैसा प्रॉपर्टीज जो डिफरेंट एक्सिस में डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिखाता हो। यानी एनाइसोट्रॉपिक मतलब हुआ कि डिफरेंट एक्सिस के बदलने से जिसके प्रॉपर्टीज बदल जाते हैं, वैसे प्रॉपर्टीज को कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। अब पूछा क्यों बदल जाते हैं, तो प्रॉपर्टीज बदलने के दो कारण हैं, एक इन्वायरमेंट, दूसरा कनेक्टिविटी। यहाँ कनेक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है, यहाँ इन्वायरमेंट से मतलब है। जब हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखते हैं तो डिफरेंट एक्सिस में डिफरेंट इन्वायरमेंट मिल रहा है, और जब डिफरेंट एक्सिस में डिफरेंट इन्वायरमेंट बन रहा है, यही कारण है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होने का। इसीलिए इसको कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। आइसोट्रॉपिक मतलब इक्वल, आइसोट्रॉपिक मतलब इक्वल। और यहाँ पर कौन कौन से प्रॉपर्टीज एनाइसोट्रॉपिक में आते हैं, तो याद रखना है थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कोई दिक्कत, नोट करते चले। नोटेड, ठीक है, अब आगे चलिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड में सिमेट्री कॉन्सेप्ट होता है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसमें सिमेट्री कॉन्सेप्ट होगा, और जो एमोर्फस सॉलिड होंगे उसमें सिमेट्री कॉन्सेप्ट नहीं होता है। इट्स यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या है थोड़ी देर में सीखेंगे। इट्स यूनिट सेल शोज सिमेट्री कॉन्सेप्ट, और यहां पर इस तरह का सिमेट्री कॉन्सेप्ट का कोई खेला नहीं है,
नो सिमेट्री कॉन्सेप्ट। अब ये कहिएगा सिमेट्री कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये भी सिखाएंगे, घबराइए मत, ये भी सिखाएंगे कि सिमेट्री कॉन्सेप्ट क्या होता है। अच्छा पूछा एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, ध्यान से सीखिएगा। कॉपर, आयरन, जिंक सल्फाइड, सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम फास्फेट, डायमंड, ग्रेफाइट्स, आयरन देखिए, वाटर H2O सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड, ये सभी आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं। इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे, तो इसका एग्जाम्पल होगा प्लास्टिक, रबर, प्लास्टिक रबर, कुछ पॉलीमेरिक सब्सटेंस, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, है ना, प्लास्टिक रबर कुछ सम पॉलीमेरिक सब्सटेंस, ये सब इसके एग्जाम्पल होते हैं। ग्लास, है ना, प्लास्टिक रबर सम पॉलीमेरिक सब्सटेंस ग्लास एटसेट्रा, और इधर तो बाकी सब, तो 90% मोर देन 90% सॉलिड क्या मिलेगा आपको, क्रिस्टलाइन मिलेगा। एमॉर्फस सॉलिड कम मिलते हैं, तो ज़्यादा रोल किसका है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के। क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है, हर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनिट शेप होता है, यहाँ पर कोई डिफिनिट शेप नहीं है। अब मौखिक तौर पर इसको याद कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के जो बच्चे होंगे 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, पूछेगा राइट द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स के, क्योंकि कोई भी सॉलिड लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बने हुए हैं, जब वह लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बने हुए हैं, अगर वह पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिफिनिट और रेगुलर होगा तो वह कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, इरेगुलर अरेंजमेंट होगा तो कहलाएगा एमॉर्फस सॉलिड। यही कारण है क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक निश्चित ज्यामिति होता है, आकृति होता है, स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि एमॉर्फस सॉलिड में नहीं होता है। क्लियर है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के पास डिफिनिट मेल्टिंग पॉइंट है, यानी एक खास मेल्टिंग पॉइंट पर पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड कोलैप्स हो जाएगा, सॉलिड से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, आप देखिए 10 डिग्री पर भी पिघल रहा है, 20 डिग्री पर भी पिघल रहा है, 30 डिग्री पर भी पिघल रहा है, यानी मेल्टिंग पॉइंट रेंज में आ रहा है, 10 डिग्री से 40 डिग्री तक ये सॉलिड पिघलता रहेगा। रेंज कहने का मतलब यही हुआ, क्यों अलग अलग हुआ, क्योंकि जो कि इंटरमोलिकुलर फोर्स अलग अलग है, इसलिए अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट दिख रहा है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प हीट ऑफ फ्यूजन है, जो कि यूनिफॉर्म इंटरमोलिकुलर फोर्स एक रीजन बताते गए क्यों हो रहा है, यूनिफॉर्म इंटरमोलिकुलर फोर्स है, सब जगह तोड़ने के लिए बराबर हीट देना होगा, इसलिए शार्प हीट ऑफ फ्यूजन है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में इरेगुलर इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जहां इंटरमोलिकुलर फोर्स इरेगुलर है तो सबको तोड़ने के लिए अलग अलग हीट देना पड़ेगा, इसलिए वहां पर शार्प हीट ऑफ फ्यूजन नहीं था। जब आप किसी सॉलिड को काटते हैं, कटिंग करते हैं, शार्प कटिंग दिखेगा तो कहलाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, शार्प कटिंग नहीं दिखेगा तो कहलाएगा एमॉर्फस सॉलिड। जिस सॉलिड को आप फोर्स से डिफॉर्म कर सकते हो, जिसके शेप को आप बल लगा के चेंज कर सकते हो, एमॉर्फस सॉलिड, जिसको बल लगा के चेंज नहीं कर पा रहे हो, जैसे सॉलिड ईंटा सब है नहीं कर पा रहे, तो उसको कहोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है, जो सॉलिड के नाम पर सत्य है, जिसको ट्रू सॉलिड कहा गया, वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो सॉलिड के नाम पर फॉल्स है, सूडो सॉलिड जिसको कहते हैं, जिसको सुपर कूल लिक्विड कहते हैं, वो एमॉर्फस सॉलिड है। जो एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है, एन आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ क्या हुआ, वैसा प्रॉपर्टीज जो एक्सिस के बदलने से बदल जाता है, वो जो दिखाता है वो क्या हुआ, क्रिस्टलाइन सॉलिड। नहीं बदलता है, यूनिफॉर्म रह जाता है प्रॉपर्टीज, उसको क्या कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। कौन कौन से प्रॉपर्टीज एनाइसोट्रॉपिक में आते हैं, तो याद रखना है
थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी आते हैं किस में आपको, तो कहेंगे आपको एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ पे। यहाँ भी कोई दिक्कत आप लोग को हो रहा है? एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे अभी तुरंत देख लिए। इसमें सिमेट्री कॉन्सेप्ट दिखाता है, ये सिखाएंगे कि यूनिट सेल में कैसे सिमेट्री कॉन्सेप्ट होता है। ये एनसीईआरटी की बात नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा पाथ हम लोग इसको सीखेंगे। यहाँ तक में डाउट के नहीं कोई है तो पूछिए, यहाँ तक में कोई डाउट के नहीं कोई है तो पूछिए। यहाँ तक में कोई डाउट है तो पूछिए। यहां तक में कोई डाउट है तो पूछिए। यहां तक में कोई डाउट है किन्हीं को पूछिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चला जाए। अब सीखना हम लोग को क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। वेरी गुड, एकदम लिखते चलिए, कहीं दिक्कत होगा नोट्स बनाते जाइएगा, आराम से लिखते जाइएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड को अब हम लोग यहीं पर छोड़ेंगे और किसके तरफ बढ़ेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड पर। अब सॉलिड में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में बना कैसे है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, और पार्टिकल्स के बीच लगने वाले इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं। ये किसके आधार पर क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। यानी किसके आधार पर क्लासिफिकेशन है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इसके आधार पर इस सॉलिड को चार कैटेगरीज में बांटे हैं, चार तरीके से बांटे हैं। कितने तरीके में क्लासिफाई होगा, चार तरीके में होंगे। तो पहला सॉलिड कहलाएगा आपको मॉलिकुलर सॉलिड, पहला सॉलिड क्या कहलाएगा, मॉलिकुलर सॉलिड। मॉलिकुलर सॉलिड को फर्दर क्लासिफाई करेंगे तीन कैटेगरीज में, देखिएगा कैसे। फिर आयनिक सॉलिड, क्या कहेंगे, आयनिक सॉलिड। तीसरा लिखेंगे हम लोग मेटालिक सॉलिड। चौथा हम लोग लिखेंगे क्या, कोवेलेंट सॉलिड, और इसी को कहेंगे नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड, ठीक है, इसी पर अब चर्चा करना है। चूंकि आज समय हो गया है तो आज हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, इसकी चर्चा अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है सुधांशु जी, आज हम लोग इतने पर रुकेंगे, शाम में मिलेंगे। तब थोड़ा थोड़ा करके चलना, खूब ज्यादा डोज नहीं ले लेना है एक ही दिन में, धीरे धीरे करते चलेंगे। और प्रैक्टिस सेशन भी करना है, जो चीज हम पढ़ा लिए, अभी आज क्वेश्चन नहीं बना पाए थे, कल बताया कि थोड़ा समय नहीं मिल पाया था, इस पर क्वेश्चन भी करना, जितना चीज पढ़ाए 10-20 क्वेश्चन हमेशा करते चलना है। एनसीईआरटी बनाना है, रेफरेंस बुक हम आपको बता चुके हैं, सुबह 8 से 9, शाम 8 से 9, और धीरे धीरे पढ़ना, कोई ज़्यादा लोड नहीं लेना है। जहाँ पर डाउट हो आप जाइए, ऐप में भी मैसेज कर सकते हैं और जो बताएं उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आज इतना ही रहेगा, मिलेंगे कब, शाम में। खूब अच्छे ढंग से घर में रहिए, ध्यान से रहिए, बाहर मत निकलिए, समय अभी विपरीत है। विपरीत समय में आप एकदम फोकस कीजिए पढ़ाई पर, कि ध्यान आपका भटके ही ना, है ना। ओके, मिलेंगे कब, शाम में।
बाय।